मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ आज राहुल गांधी अपील करेंगे। कांग्रेस नेता आज सूरत पहुंचकर याचिका दायर करेंगे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। 2019 में दिए बयान को लेकर कोर्ट ने राहुल को 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के अगले दिन वायनाड सांसद की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अगर कोर्ट ने दोष पर रोक लगाई तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर साधा राहुल गांधी पर निशाना। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस नेता को ईगो की समस्या है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई हीरक जयंती का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विशिष्ट सेवा के लिए अधिकारियों को प्रदान करेंगे पदक। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की आज फिर कोर्ट में पेशी। 31 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए सिसोदिया की आज खत्म हो रही है मियाद। राहुल गांधी की सदस्यता के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी। सुबह 10:30 बजे संसद के सीपीपी ऑफिस में पार्टी सांसदों की बैठक। कांग्रेस ने एक बार फिर लगाया मोदी सरकार पर जासूसी का आरोप। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा पिछले चुनाव में पेगासस की तरह विदेशी सहायता से फिर विपक्षी नेता और प्रभावशाली लोगों के फोन हैक करने की हो रही साजिश। दिल्ली में डीएमके चीफ एमके स्टालिन की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों की महासभा। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी आप टीएमसी बीआरएस नेता एक मंच पर आएंगे नजर। यूपी के रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सपा प्रमुख के कदम को दलित वोटर्स को रिझाने के तौर पर देखा जा रहा। बीएसपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज मेयर का चुनाव नहीं लड़ाएगी। लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक में मायावती ने इसका ऐलान किया। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग। राज्य निर्वाचन आयोग दफ्तर में दोपहर 12 बजे बैठक। पीएम मोदी आज मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से। राज्य की विकास परियोजनाओं सहित सूबे के सियासी हालात को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। अपनी सुरक्षा कम किए जाने पर विपरीत सिद्धू। असम की गुवाहाटी में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। राज्य में मुफ्त बिजली और रोजगार देने का वादा किया। असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का पलटवार। कहा दिल्ली से बेहतर है असम। दिल्ली में 60% लोग नर्क में रहते हैं, वहां तो लोगों को पानी भी नहीं मिलता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या का दौरा करेंगे। सीएम शिंदे पार्टी नेताओं के साथ रामलला के दर्शन और सरयू तट पर पूजा करेंगे। उद्धव ठाकरे पीएम मोदी को सावरकर के अखंड भारत का सपना पूरा करने की दी चुनौती। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर भी तंज कसा। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में निकली सावरकर गौरव यात्रा। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान के विरोध में यात्रा निकाली गई। पश्चिम बंगाल की हुगली में रविवार को एक बार फिर हिंसा भड़की। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी। हुगली हिंसा में 12 लोग गिरफ्तार। हुगली के ऋषिराज थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर बीजेपी की निकाली शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। दिलीप घोष ने कहा जगन्नाथ मंदिर जाने के दौरान हुआ हमला। हुगली हिंसा पर भड़के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा सूबे में नहीं चलेगी गुंडागर्दी। Enforcement forces has already rushed to the spot. Culprits will be booked, denied itself, and put behind bars. We are deter. हावड़ा के बाद हुगली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर हमला। कहा बंगाल जल रहा, राम भक्तों पर पथराव हो रहा और दिल्ली सो रही। हावड़ा हिंसाग्रस्त इलाकों में जाना चाहते हैं बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। मजूमदार को पुलिस ने रोका। पुलिस ने सुकांत मजूमदार की उनकी बहस भी हुई। बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसक झड़प के बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। नालंदा सासाराम हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश।
नालंदा हिंसा के बाद हालात की जानकारी लेने पहुंचे डीजीपी आरएस भट्टी, सर्किट हाउस में की बैठक। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। नालंदा में सीआरपीएफ आरएएफ ने किया फ्लैग मार्च, हिंसा में अब तक 109 लोग गिरफ्तार। सासाराम में शनिवार को हुए बॉम्ब ब्लास्ट पर डीजीपी का बड़ा खुलासा, घायल शख्स ही बना रहा था बम, इलाज के बाद किया गया जाएगा अरेस्ट। बिहार में हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट, गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से फोन पर बात की, केंद्रीय बल की 10 अतिरिक्त कंपनियां रवाना। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के सिलेबस में बदलाव किया, मुगल दरबार का इतिहास नहीं पढ़ेंगे भारतीय के छात्र। दिल्ली के वकील की हत्या के विरोध में आज वकीलों की हड़ताल, रविवार को द्वारका में सरेआम वकील की गोली मारकर हत्या की गई थी। यूपी के इटावा में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एनकाउंटर के बाद 12 बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड में मसूरी देहरादून रूट पर खाई में गिरी अनियंत्रित बस, हादसे में 2 की मौत, 38 लोग घायल। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4,000 के करीब नए कोरोना केसेस, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, देश में 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 429 नए कोरोना केसेस आए, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.09% हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 562 नए मामले सामने आए, एक दिन में 3 मरीजों की मौत। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या की, जवान ने तड़के सुबह की आत्महत्या। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, 161 बटालियन के जवान के सुसाइड से हड़कंप मचा, बीएसएफ ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू की। कानपुर के बासमंडी इलाके में दुकानों में लगी आग को बुझाने का काम 3 दिन से जारी, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब भी मौजूद। फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बाहर की भीषण आग बुझाई गई, पर कई दुकानों में अब भी अंदर आग सुलग रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग के मुताबिक 5 अप्रैल तक तेज बारिश और तूफान की आशंका। 5 अप्रैल तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में बारिश के साथ तूफान की संभावना, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस हफ्ते बारिश होती रहेगी। चेन्नई, कोयम्बटूर, नीलगिरी में भारी बारिश की चेतावनी, निवासियों से स्थानीय मौसम की स्थिति को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया। लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले की ऊंची पहाड़ियों में भी भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड केदारनाथ धाम में रविवार को भी भारी हिमपात हुआ, चारों ओर पहाड़ियों पर बर्फ की चादर फैली नजर आई। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचा, तार, कारतूस और 90,000 की नकदी बरामद। रूस ने गिरफ्तार अमेरिकी पत्रकार को छोड़ने से दो टूक किया इनकार, अमेरिकी अपील को खारिज करते हुए विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि गेर्शकोविच के भविष्य का फैसला रूस की अदालत करेगी। पाकिस्तान को मिला तुर्की का खतरनाक हमलावर ड्रोन, बेरक्तकार अकिंसी हेल ड्रोन दुनिया का पहला ड्रोन है जिससे दागा जा सकता है क्रूज मिसाइल। तालिबान ने अफगानिस्तान में गिरफ्तार 3 ब्रिटिश नागरिकों को लेकर चुप्पी साधी, ब्रिटिश सरकार और एनजीओ उनकी रिहाई की लगातार कर रही कोशिश। चीन म्यांमार के कोको आइलैंड पर गुप्त सैन्य अड्डा बना रहा है, सैटेलाइट इमेज से हुआ चीनी साजिश का खुलासा। चीन ने जापान को अमेरिका से संबंधों को लेकर आगाह किया, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीनी विदेश मंत्री ने यह सलाह दी। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने बनाया फ्यूचर पेंडेमिक के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोरोना जैसी महामारी को रोकने में होगी सहायक।
कल से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर भूटान के राजा वांगचुक के साथ विदेश व्यापार मंत्री और शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी होंगे शामिल। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ग्रोसरी स्टोर के बाहर गोलीबारी की घटना हुई। फायरिंग में एक शख्स की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आईपीएल 2023 के पहले मैच में बेंगलुरु ने मुंबई को 8 विकेट से हराया। आरसीबी के लिए विराट कोहली और कप्तान डु प्लेसिस ने खेली शानदार पारी। मुंबई ने दिया था 172 रनों का लक्ष्य। बेंगलुरु से हार के बाद भड़के मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा। रोहित ने बल्लेबाज तिलक वर्मा को छोड़ सभी बल्लेबाजों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स ने भी जीत से किया आगाज। सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रनों से हराया। राजस्थान के 203 रनों के जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे हॉलीवुड स्टार्स जेंदाया और टॉम हॉलैंड। पहली बार एक साथ आए हैं मुंबई। फैंस पूछ रहे हैं इंडिया आने की वजह। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई के फैशन इवेंट में शामिल हुए, एक दूसरे का हाथ थाम कर एंट्री। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला गोल्ड फेस मास्क में आई नजर। उर्वशी ने ब्यूटी मास्क पहनकर पेपराजी को पोज दिए। एक्ट्रेस सारा अली खान फिल्म आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के साथ काम करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। इवेंट के दौरान सारा ने बयान दिया।